नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे मैन सिटी वर्सेस चेल्सी इन द एफए कप सेमीफाइनल सो so, दोस्तों मैन uh, सिटी और चेल्सी का मैच है मैन सिटी आर फेवरेट दिस मैच बट ऑफ कोर्स दे सफर्ड अ लॉस अगेंस्ट रियाल मडरेड इन द चैंपियंस लीग और वो उन्हें आई थिंक थोड़ा साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर सकता है अहेड ऑफ दिस मैच चेल्सी ने ऑब्वियसली एक बहुत ही इंप्रेसिव दोस्तों सिक्स नेल विन पिकअप करी अगेंस्ट एवरटन इन द प्रीमियर लीग सो दे विल बी हेडिंग इन टू दिस मैच फुल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस मैन सिटी के कुछ प्लेयर्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्लिंग हारलैंड लाइक एवन डिब्राइना दे आर ऑल्सो इंजरी डाउट्स फॉर दिस मैच जो मेरे को लगता है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता है इस मैच को सर्टनली मैं चेल्सी को रूल आउट नहीं करूंगा बट आई थिंक ओवरऑल आई विल जस्ट अबाउट गो फॉर अ टू वन मैन सिटी वेन इन दिस मैच

आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है जल्दी दे। फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी टीम लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर यहां पे मैंने पिक किया है पेट्रोविच को ही इस संबंध जो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ज्यादा सेव्स करेंगे इन दिस मैच बिकॉज आई डू एक्सपेक्ट कि चाहे हाल ना खेले और मुझे लगता है की ज्यादा सेफ पॉइंट देंगे अगर आपको लगता है दोनों टीम कंसीड करेंगी डिफेंस की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने पिक किया है नेथन आके को बहुत टाइम से आउट इंजर्ड है मुझे लगता है कि Uh, क्योंकि मैन सिटी ने 120 ट्वेंटी मिनट्स खेले थे इन द चैंपियंस लीग और उसके बाद बहुत ही क्विक टर्न अराउंड है सो दैट इज वाई फील कि कुछ फ्रेश लेग्स गाड़ियोंला ला सकते हैं और नेथन आके जो वापस फिट हो चुके हैं इस संबंध जो मुझे लगता है वैसे भी काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स देते हैं गुड हेडर ऑफ द बॉल अ गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच जॉन स्टोन्स को मैंने पिक किया है ही इज ऑल्सो संबंध जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया था इन द चैंपियंस लीग और हमें पता है जॉन स्टोन्स इज सच एन इंपॉर्टेंट डिफेंडर फॉर दिस मैन सिटी टीम इसलिए मैंने उनको अपने डिफेंस में पिक किया है फ्रॉम अचेल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है उनके राइड बैक मालो गुस्तो जो बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं ही संबंध में मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शन आपको अटैकिंग पॉइंट दे सकते हैं फ्रॉम चांसेस क्रिएटेड टू असिस पोटेंशियल एज वेल मिडफील्ड पर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अबाउट द व्यू स्पोर्ट ऐप व्यू स्पोर्ट ऐप पे दोस्तों आपको मिलेंगी बेस्ट फैंटेसी ए आई टीम्स फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल मैचेस प्लस आपको बड़े मैचेस की ट्वेंटी ग्रैंड लीग टीम्स भी मिलेंगी ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप और अगर आप देखेंगे प्रीमियर लीग में एफए कप में फुटबॉल मैचेस भी जनरली व्यू स्पोर्ट के परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी वेरी गुड सो so, ट्राई करिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं अबाउट द मिड फील्ड यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑफकोर्स चेल्सी uh, के मैन इन फॉर्म प्लेयर ऑफ द सीजन एंड आई वुड से डेफिनेटली प्रेमियर लीग का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर कोल पालमर को मैंने पिक किया है ही इस जो बहुत ही सुपर रहे हैं सो फार दिस सीजन एंड ही इस संबंध जिनको मैंने कैप्टेंसी भी दी है ही सब जो पेनल्टीज पे हैं ही सब जो चांसेस क्रिएट करते हैं असिस्ट देते हैं गोल स्कोर करते हैं एंड ऑफ ऑफकोर्स हीज अ फॉर्मर मैन सिटी प्लेयर सो कोल पार्मर के साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग मुझे लगता है इज अ फैंटेस्टिक कैप्टेंसी ऑप्शन फॉर दिस मैच फिर मैंने वाइस कैप्टन किया है दोस्तों फिल फोर्डन को काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से इन द चैंपियंस लीग फिल फोर्डन का फर्स्ट लेग में उन्होंने वो स्पेक्टैकुलर गोल स्कोर किया लेकिन सेकंड लेग में मुझे लगता है कि फोर्डन थोड़े से अंडर द रेडार थे बट ही इज स्टिल अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर हमें पता है मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी गुड वाइस कैप्टन से ऑप्शन स्पेशली बिकॉज इस मैच में हाल और डिब्रॉना uh, शायद फीचर ना करें तो फिर मैंने पिक किया है कॉनर गैलेगर को इस सॉर्ट ऑफ मैच में जहां मैन सिटी के पास पोजेशन होगा कॉनर गैलेगर ऑफ द बॉल आपको बहुत ही अच्छे टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं सो तो ही सम्मध जिनको मैंने पिक किया है जेरमी डोकू ने दोस्तों गेम चेंज करा था मैन सिटी के लिए अगेंस्ट रियाल मडरेड इन द सेकेंड हाफ और इनका जो डायरेक्टनेस है इनका जो अबिलिटी है टू टेक ऑन डिफेंडर्स इनकी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है मुझे लगता है ही संबंध जो इस मैच में स्टार्ट करेंगे और आपको डिसेंट फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं वर्नाडो सिल्वा की पेनल्टी के बारे में बहुत चर्चा हुई थी आफ्टर द मैच बट अगर आप नॉर्मल बात करेंगे इनका ओपन प्ले से जो गोल थ्रेट है प्लस हमें पता है इनका जो डिफेंसिव वर्क रेट है मुझे लगता है मेक्स हिम अ गुड ऑप्शन इन आर मिड स्पेशली दोस्तों अगर रॉडरी स्टार्ट नहीं करते हैं तो अगर बात करें हम फॉरवर्ड्स की यहाँ पे मैंने पिक किया है निकोलस जैक्सन को लास्ट uh, मैच में गोल स्कोर किया एंड ही स्लोली समवन जो वापस फॉर्म में आ रहे हैं मुझे लगता है जैक्सन इस समवन जो एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन है स्पेशली uh, अगर आपको लगता है चेल्सी गोल स्कोर करेगी एंड जूलियन आलवर इस समवन मेरे को लगता है काफ़ी अंडर यूटिलाइज किया है पेप गार्डियोला ने उन्हें एंड हालन कैप्सेंस में ही इज द वन जो पेनल्टीज पे होंगे ही इज द वन जो मेन स्ट्राइकर होंगे उनको काफ़ी चांसेस मिल सकती हैं एंड अ फेयरली गुड सी सी ऑप्शन फॉर दिस मैच इज़ वेल सो दोस्तों ये था मेरा प्रीव्यू फॉर मैन सिटी वर्सेस चेल्सी इन दी एफ कप अगर आपको पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब करिएगा व्यू स्पोर्ट फुटबॉल को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे सेफ एंड सीज